मन मैं शुभ कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास क्लास 12 के स्टूडेंट जो भी 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ML सर का करेक्टर स्केच। तो दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर हमने अभी तक क्लास 12 इंग्लिश का देखा उसमें ML सर का करेक्टर स्केच जरूर लिखने के लिए बोला है, तो इसलिए जो है आप लोगों को ये वीडियो हम करा रहे हैं और एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से ML सर का कैसे करेक्टर स्केच लिखना है मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बस 10 मिनट आप लोग इस वीडियो पर पूरा समय दीजिए और इस वीडियो को पढ़कर ही आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम देने जाएं, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो आप लोग बहुत आसानी से लिख करके पूर्ण अंक प्राप्त कर लेंगे। और हमारी ऑफलाइन क्लास के भी जो बहुत से बच्चे हैं उन लोगों का विशेष डिमांड था कि सर आप करेक्टर स्केच करा दीजिए, चैनल पर अपलोड कर दीजिए ML सर का। तो आज हम आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरा पढ़ें, और अगर आप लोगों को समझ में ये वीडियो आए, एक एक शब्द के अर्थ को समझ में आए, तो आप लोग जो है क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके संपर्क में उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इससे उन लोगों की भी मदद हो जाएगी और थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में आपसे इस टाइप से पूछ सकता है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर ML। अब गिव दीजिए यानी कि करेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण किसका, ML सर का। ML सर का चरित्र चित्रण दीजिए, ML सर का चरित्र चित्रण लिखिए, और आगे कंडीशन दे सकता है आपसे इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग जो है आपको 80 शब्दों में इनके करेक्टर स्केच को लिखना है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लोगों को ML सर का करेक्टर स्केच बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो देखिए आप लोग जो है यहाँ पर आंसर राइट करेंगे और आंसर जो नंबर होगा यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इनका करेक्टर स्केच आप लोग हेडिंग दे करके भी लिख सकते हैं, 2-3-4 हेडिंग देकर, या तो अगर हेडिंग नहीं दे सकते हैं तो आप लोग एकदम जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोग लिख देंगे, तब भी आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं कैसे आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ से मिस्टर ML वाज ए फ्रेंच टीचर एट ए स्कूल इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेज एंड लोरेन। अब देखिए मिस्टर ML यानी श्रीमान जो ML सर थे, वाज मीन्स थे फ्रेंच टीचर, ए फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे एट ए स्कूल एक विद्यालय में इन द फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट यानी जिला ऑफ एल्सेज और लोरेन। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो ML सर थे वह फ्रेंच के जिले एल्सेज और लोरेन के एक स्कूल में फ्रेंच भाषा के टीचर थे। तो आप लोग समझ गए होंगे, आइए आगे देखते हैं क्या लिखना है। ही हैड ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी, वह ईमानदारी से सर्वड किए यानी अपनी सेवा प्रदान किए द स्कूल में फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों से, यानी कि उस स्कूल में ML सर जो फ्रेंच भाषा को 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। और ही वाज द ट्रू लवर का मतलब होता है सच्चा प्रेमी, वह सच्चे प्रेमी थे आप फ्रेंच भाषा के सच्चे प्रेमी थे, बहुत प्रेम करते थे। एंड और मेड इट टू कीप अलाइव, और उसको जो है एक कीप अलाइव करते थे यानी कि फ्रेंच भाषा को ये जीवित रखे थे, फ्रेंच भाषा को पढ़ाकर फ्रेंच भाषा को वहाँ पर जीवित रखे थे। ही थॉट मीन्स सोचते थे वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा, यानी कि वो फ्रेंच भाषा के प्रति बहुत अच्छा सोचते थे। एंड और आल ग्रेप्सड हिम वेरी वेल, ग्रेप्सड का मतलब होता है समझाना, और एंड और आल ग्रेप्सड वह समझा देते थे वेरी वेल बहुत अच्छे से, यानी फ्रेंच भाषा को वो बहुत अच्छे से समझा देते थे और बहुत अच्छे से समझते भी थे। आगे आप लोगों को लिखना है ही डिड नॉट स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, वह डांटे नहीं किसको, फ्रेंच जो छोटा सा लड़का था उसको डांटे नहीं फॉर कमिंग आने के लिए लेट माने देरी से टू द स्कूल, यानी फ्रेंच जो लड़का था वह स्कूल लेट से आया उसके लिए भी वह उसको डांटे नहीं। ना ही तो ही डिड यूज आयरन रूलर, ना ही तो वह लोहे के छड़ी का ही प्रयोग किए आन हिम उसके ऊपर, यानी कि जो फ्रेंच लड़का था जब वह लेट स्कूल से आया तो ना ही तो उसको डांटे और ना ही तो उसको जो है आयरन रूलर से मारे,
कुछ नहीं किए। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज, ही मीन्स यम हैमिल सर लव्ड, प्रेम करते हैं किससे, फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच भाषा से वह प्रेम करते हैं। इंटेंसली, इंटेंसली का मतलब होता है तीव्रता से, वह फ्रेंच भाषा से बहुत तीव्रता से, बहुत इंटेंसली, बहुत करीब से प्रेम करते हैं। एंड और कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब होता है मानना या विचार करना, और वो कंसीडर्ड करते हैं, मानते हैं इट इसको एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एक मोस्ट माने अधिक खूबसूरत भाषा इन द वर्ल्ड, संसार में, और संसार में यह इस जो यम हैमिल सर हैं इस भाषा को संसार में सबसे खूबसूरत भाषा के रूप में भी मानते हैं, ऐसा वो कंसीडर करते हैं अर्थात विचार करते हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे थोड़ा सा आप लोगों को क्या लिखना है। ही हैड सर्वड, ही मीन्स वह हैड सर्वड, अपनी सेवा प्रदान किए एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, फॉर 40 ईयर्स, कितने वर्षों से, 40 वर्षों तक से, वह 40 वर्षों से एक टीचर के रूप में अपनी सेवा प्रदान किए। एंड और हैड अर्नड, अर्नड मीन्स होता है कमाना, प्राप्त किए ग्रेट रिस्पेक्ट, ग्रेट माने महान, रिस्पेक्ट माने होता है आदर सम्मान, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए वो महान एक बड़ा सम्मान भी प्राप्त किए, इन द बेस्ट बेस्ट हार्ट, बेस्ट हार्ट का मतलब होता है अच्छे दिल में, ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों के, यानी कि वह ग्रामीणों के जो गांव वाले थे उन लोगों के दिल में अपने प्रति एक अच्छा सम्मान भी अर्न किए, कमाए। कौन से विलेजर थे, हूँ जो कम आए थे टू अटेंड, अटेंड करने, शामिल होने, हिज लास्ट क्लास, अपनी हिज लास्ट क्लास, उनकी आखिरी कक्षा में, आन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा की, जो उनकी फ्रेंच भाषा की लास्ट क्लास को अटेंड करने के लिए गांव के लोग आए थे, उन लोगों के दिल में एक अच्छा सम्मान ये प्राप्त कर लिए थे दैट डे, उस दिन, जिस दिन इनका लास्ट लेसन चल रहा था, यानी कि लास्ट क्लास चल रहा था। एंड और आल्सो माने भी, हिज लास्ट डे, उनका आखिरी दिन भी था एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, इन द स्कूल, स्कूल में। तो दोस्तों बस आप लोगों को करेक्टर स्केच इतना ही लिखना है, यहाँ से आप लोगों को पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करें। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, हम 2-3 करेक्टर स्केच और जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों की बुक से करा देंगे, तो पूरी तरह से आप लोग तैयार हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क को पाने के लिए। तब तक के लिए अब नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।